ऑलराइट, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल, और आज वो दिन आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। रेडी गो। नो, एक और बात है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि तुमने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी के अभी कर लो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री जानने से पहले जान लो होता क्या पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली में होता क्या पीरियोडिक टेबल। सो द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डिपिक्ट द ट्रेंड ऑफ देयर फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक टेबल कुछ टेबुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे एलिमेंट को उसका फिजिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सजाया जाता है। तो यही होता है पीरियोडिक टेबल। और भाई साहब, बात जब हिस्ट्री की आता है तब बहुत सारे साइंटिस्ट भी आ जाता है। साइंटिस्ट में से नंबर वन पे आता है डोवर्नियर। इन 1817 ही मेक्स ट्रायड लॉ, व्हिच मींस इफ थ्री एलिमेंट आर अरेंज्ड देन मिडिल ऑफ देम इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ देयर एटॉमिक मास, लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ट्रायड लॉ क्या बोलता है? ट्रायड लॉ बोलता है अगर तीन एलिमेंट को ऐसे सजाया गया जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा मिडिल वाला एलिमेंट। यही बोला था डोवर्नियर। यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लेंगे तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 एंड जो थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम उसका एटॉमिक मास होता है 39। अगर उनका एवरेज करेंगे तो सोडियम आएगा 23। एंड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर ऑल इन अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज इट फॉलो द ट्रायड लॉ। सो ऐसे ही कुछ ट्रायड लॉ के हिसाब से डोवर्नियर एक सीक्वेंस बना के उनका पीरियोडिक टेबल हम लोगों के सामने उपस्थित किया था। बट ही इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज उन समय डोवर्नियर बस चार ट्रायड बनाया था, लेकिन उस समय और एलिमेंट भी बच गया था। एंड बस यही नहीं, उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उसमें सब ट्रायड लॉ फॉलो नहीं करता। हाँ यार, मानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, ट्रायड लॉ भी सेम है, लेकिन बाद में दिखा गया कि ऐसे बहुत सारे और भी एलिमेंट है जिसको ट्रायड लॉ में केमिकल प्रॉपर्टी सही है लेकिन ट्रायड लॉ में वो नहीं आ रहा है, मतलब ट्रायड लॉ उन एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। डोवर्नियर के बाद नंबर टू में आता है डी साकुर्तोवा, जिन्होंने 1862 साल में टेलुरिक लॉ हम लोगों के सामने उपस्थित किया था। तो इन्होंने जो टेलुरिक लॉ हम लोगों के सामने उपस्थित किया था, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो, पर तुम्हें अगर जानना चाहिए तो कमेंट करो, अलग से वीडियो लाऊंगा। बस इतना पता करो कि इन्होंने टेलुरिक लॉ बनाया था इन 1862 में। नंबर टू में टेलुरिक मॉडल के बाद आता है जॉन न्यूलैंड का मॉडल, और इन्होंने ऑक्टेव रूल बनाया था पीरियोडिक टेबल के लिए। और इन्होंने इस ऑक्टेव रूल में बताया था अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को फिक्स्ड पकड़ते हैं तो उसके बाद में 8th नंबर में जो एलिमेंट आता है वो उस पहले वाला फिक्स्ड एलिमेंट के साथ सही केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल बिहेवियर दिखाता है। इसका मतलब एज एग्जांपल ले सकते हो, लिथियम को अगर तुम फिक्स्ड पकड़ोगे तो सोडियम आएगा उसके बाद में 8th नंबर पर, और अगर तुम देखोगे तो लिथियम और सोडियम का सभी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है और सारी चीज़ें भी सेम होता है। जैसे डोवर्नियर भी किया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो ट्रायड लॉ में किया था, बट यहाँ पे जॉन न्यूलैंड इसे ऑक्टेव रूल में भी इसे मिला दिया था। सबसे ख़राब बात ये है, इतने सारे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जो पढ़ लिए, इन सारे साइंटिस्ट ना कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब इन सारे साइंटिस्ट का जितने भी लॉ बनाया था वो बाद में कुछ काम का नहीं हुआ। लेकिन भाई, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन तो इन्हीं लोग ने किया था, इसीलिए इन लोगों का नाम हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इतने सारे साइंटिस्ट हारने के बाद आता है सबसे महान नंबर 4, मंदेलीव। इन्होंने बनाया था पीरियोडिक लॉ 1862 में। मंदेलीव का पीरियोडिक लॉ तुमने बहुत बार सुने हो, मंदेलीव का पीरियोडिक टेबल ये भी बहुत बार सुने हो। तो ये है मंदेलीव साइंटिस्ट, और इन्होंने 1862 में पीरियोडिक लॉ बनाया था। अब तुम्हें अगर जानना है कि पीरियोडिक लॉ क्या है, मंदेलीव ने क्या क्या किया था, सब आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यार, चैनल पे जुड़े रहो मंदेलीव का कारवा सुनने में। तो आज के लिए थैंक्स।